गुरुवार को हमीरपुर के अंतरिक्ष मॉल में दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिसेस हिमाचल 2018 के लिए ऑडिशंस हुए, जिसमें 14 महिलाएं फैशन वर्ल्ड के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंची। कार्यक्रम में आरटीओ हमीरपुर प्रभात चंद चौधरी और डीएसपी हमीरपुर रेणु शर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऑडिशन को पहुंची महिलाएं मॉडलिंग में करियर बनाकर हमीरपुर और हिमाचल का नाम रोशन करेंगी। जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, प्रतिभाशाली औरतें हैं, इनको इनकी प्रतिभा देखने का मेरे को मौका मिला। जो पहले क्या था, जो हमारी महिला थी अपने घरों में रहती थी, घुटघुट के रहती थी, उनको जो उनके पास टैलेंट है, जो उनकी प्रतिभा है, उसको दिखाने का मौका नहीं मिलता था। तो ये दिव्य हिमाचल की एक बहुत बड़ी देन है कि ऐसे फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा है, हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद ये हिमाचल लेवल में हिमाचल करेंगे, उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे तो हमारे इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेंगे। 10 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, सिर्फ नेशन वाइड और इंटरनेशनली ये सबसे ज्यादा एस्पायरिंग फील्ड है और जिन लोगों ने इस फील्ड में मेहनत की है वो लोग बहुत ऊपर तक भी पहुंचे हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इंस्पायर कर रहे हैं, आपकी अगर इच्छा है तो आपके पेरेंट्स आपको बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज मैं पुरानी हीरोइंस के इंटरव्यू सुनती हूँ या उनके इंटरव्यूज पढ़ते हैं तो वो कहते हैं हमें घर से भागना पड़ा था अगर हमें इस फील्ड में अपना वो करना था। हमको इंटरेस्ट था लेकिन हमें भागना पड़ा घर से, या घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया। नहीं रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको दिल से करें और पॉजिटिव होके करें। एंड आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोग पहले तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक, जीते हारे वो बात की बात। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर के साथ ब्यूरो प्रभारी मसराम डलाल की रिपोर्ट।